सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो एक पैडेड ब्लाउज होगा जो ब्राइडल ब्लाउज होगा, काफ़ी हैवी वर्क में है। कप्स के साथ में मैंने इसे बनाया है और बिल्कुल बहुत ही प्यारा ब्लाउज बना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल से समझ में आएगा और आसानी से आप इसे बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर से दबाइएगा, उससे हमारे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्राइडल ब्लाउज की। ब्राइडल ब्लाउज आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फ्रंट ओपन बना सकते हैं, बैक ओपन बना सकते हैं, साइड जिप बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ब्राइडल ब्लाउज का वर्क किस टाइप से है। फ्रिंज कट भी बना सकते हैं, वो वर्क के अनुसार ही सारे ब्लाउज बनते हैं। तो आज यहाँ पर एक बैक ओपन वेलवेट में ब्राइडल ब्लाउज बनाने वाले हैं, वो भी पैडेड बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैं बताने वाला हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीका। तो इसका पहले मेजरमेंट मैं बता दूँ आपको। मेजरमेंट जो मेरा है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो करीबन 13.5 इंच रखने वाले हैं और इसका राउंड चेस्ट है 31 इंच, 31 प्लस आधा इंच इसमें और प्लस 2 इंच इसके टोटल राउंड चेस्ट में प्लस करेंगे। इसकी जो कमर है वो 27 इंच, 27 इंच, और शोल्डर इसके हैं 14 इंच, और स्लीव इसकी 4.5 इंच है, और स्लीव जो मोरी है 10.5 इंच है, और फ्रंट नेक 7 इंच दिया है और बैक नेक इसका 9 इंच है। ये छोटी छोटी बैक और फ्रंट की 12 12.5 मेरी नाप है, जो मैं कटिंग में आपको बता दूंगा। अगर मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ये हो गया अपना मेजरमेंट, तो अब इसकी कटिंग करते हैं। तो मेरा ये वेलवेट का जो ब्राइडल ब्लाउज है, इसमें बैक और फ्रंट में वर्क है, तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं और इसी में जो कप्स पैडेड लगाएंगे तो मुझे इसमें ज़्यादा अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी पहले एक साथ में अटैच अस्तर है, तो एक और अस्तर लगाकर इसको अटैच कर देंगे पैडेड को। तो सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए मेरी जो टोटल लेंथ है 13.5 इंच, तो यहाँ पर लेऊँगा 1 इंच प्लस करूँगा, 14.5 इंच पर पहला निशान यहाँ पर लगाऊँगा, दूसरा निशान 5.5 इंच पे आर्मोल के लिए, चेस्ट के लिए, और ऐसे ही करके एक निशान यहाँ पर खींच लेंगे सीधी लाइन करने के लिए, और यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। ये दो काम पहले करने हैं अपने को, सबसे पहले एक शोल्डर, दूसरी आर्मोल का निशान पहले खींच लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बैक गला डीप है इसलिए मैं 5.5 इंच ही ले रहा हूँ। अगर इसका नॉर्मली होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। अब यहाँ पर गले का निशान लेंगे करीबन 2.5 इंच पे, और 5.5 इंच पे इसके जो शोल्डर के निशान लेंगे, 5.5 इंच पे ही लेने वाला हूँ इसके। अब यहाँ पर चलेंगे इसका जो चेस्ट है 31 इंची है, तो प्लस 2 इंच करेंगे तो 32 33, करीबन 34 इंच यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। इसमें 0.5 इंच लूज़ रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैडेड है तो वो भी थोड़ा मार्जिन खींच लेते हैं इसलिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर मैंने 34 34 टोटल चेस्ट 34 किया है, उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर लगाया है 8.5 इंच, 34 का जो चौथा फोर्थ पार्ट होता है वो निशान मैंने यहाँ पर लगाया है। ऐसे ही कमर का ये टैक्स का निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर 4 इंच पे लगा सकते हैं, पूनी 4 पे लगा सकते हैं, तो ये पूनी 4 पे मैंने निशान लगाया है, ठीक है। और कमर का चौथा हिस्सा, यहाँ पर कमर जो है बिल्कुल फिक्स आएगी, जो वेस्ट है अपनी वो फिक्स आएगी, उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे, 27 इंची है तो 7.25 इंच यहाँ पर आएगा अपना निशान, 7.25 इंच इसमें टैक्स डालने के लिए बैक में, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से गले का निशान लगा लें, 9 इंच मेरा डीप गला है तो ये 9 इंच डीप गले का निशान। ये हो गया मेरा फिटिंग का टाका यहाँ से, और यहाँ से इसको मैं करूँगा कटिंग, और ये हो जाएगा मेरा आर्म होल यहाँ से, और ये वाली हो जाएगी मेरी डार्ट, और ये वाला मेरा है गले का निशान, और ये भी है गले का निशान इस तरह से, और यहाँ पर 1.5 इंच ले लें, या आपकी जो नाप है करीबन, ये मेरी अभी मैंने बताया 12.5 इंच के आसपास है, तो ये ऑटोमेटिकली 1.5 इंच के आसपास इस गैप में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। तो ये सेफ पट्टी है, इससे मैं कर्व का निशान देने वाली शेप पट्टी इससे मैं मिला देता हूँ इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये टक्स का निशान यहाँ पर, ये 4.5 इंची, 4 इंची के आसपास, 5 इंची तक रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गोलाई, इसकी गले की गोलाई यहाँ पर दे देंगे इस तरह से।
तो इस तरह से अपना बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगी यहाँ से कटिंग, और ये यहाँ से इसकी कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही करके इसके मार्किंग उठा लेने हैं। ये हो गया अपना गले का, ये गला बाद में कटिंग करेंगे। ये हो गया फिटिंग का टांका, और ये भी फिटिंग का हो गया, और ये टक्स का निशान। ऐसे ही करके इन पे निशान लगा लें ऐसे, और ये फिटिंग का, ये बाहर में दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये हो गया बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट अपना कटिंग हो गया, तो ये मेरा यहाँ से पैक है, बैक खुला हुआ है, तो इसको यहाँ से सेट करेंगे इस तरह से। मार्जिन जो है अपना आगे की तरफ निकाल लेते हैं, सेम ऐसे कैसे रख लेते हैं, और यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा रख के लगा लेते हैं, और ये भी बराबर अपना इसी के बराबर जो है कटिंग कर लेंगे। एक बार तो ये सीधा तरीका है, यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, और ये बराबर ये अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब इसके सेम सेम ऐसे ही जो निशान है अपने को उठा लेने हैं फ्रंट पार्ट पे, और बैक पार्ट को अलग कर लेना है। ये हो जाएगा अपना, और ये निशान, ये निशान दोबारा से वैसे ही लाइन खींच ले, दोबारा से मेजरमेंट करने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए ये निशान कैंची से उठा लिए और ऐसे कैसे निशान लगा लिए। अब टैक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं, जहाँ अपने को पैडेड ये जो कप्स अटैच करने हैं वो। मेरा टैक्स पॉइंट ऊपर से इसका 9 इंच है, तो मैं 9.5 पे निशान लगा रहा हूँ यहाँ से, ये 9.5 पे, और यहाँ से ले लेता हूँ करीबन 4 इंच के आसपास, 4.5 के आसपास, तो ठीक है मेरा ये 4 इंच पे ठीक रहेगा, 4.5 पे ले लेता हूँ, साइज थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर मैंने 4.5 पे लिया, सीधी लाइन खींची, और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा 20 सेंटर आ जाएगा जो कप्स लगाऊंगा ना उसका, तो ये निशान ऐसे कैसे हो जाएगा, और ये कुटका मेरा लग जाएगा। जितना गला आपका डीप है, फ्रंट में 7 इंच है, तो 7 इंच का निशान लगा लें, और इसका भी गोलाई दे दें। फ़िलहाल इसमें मेरा वर्क है, तो ये चीज़ मैं बाद में इसको कटिंग करूँगा, तो यहाँ एक आइडिया के तौर पर गोलाई दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये गोलाई दे के रख दिया मैंने। और यहाँ पर डीप कटिंग कर लेते हैं, डीप कटिंग के लिए 1/2 इंची के आसपास ये जो अपनी थोड़ी सी कटिंग होगी उसको मिला लेंगे इस तरह से, इस तरह से। यहाँ अपनी सेव पट्टी ले लें जो कर्व का काम करती है, इस तरह से ये सेम वही जगह आएगी ऑटोमेटिकली, तो इसको यहाँ से काट लेते हैं। तो ये भी अपना हो गया, ऐसे ही करके इस साइड इसका भी निशान उठा लें, तो आगे पीछे किस घने का नहीं रहेगा और बिल्कुल जो है फिक्स रहेगा। तो इस तरह से अपना बैक और फ्रंट पार्ट दो। अब कटिंग करते हैं इसकी आस्तीन की, तो आस्तीन कटिंग करने के लिए डबल कपड़ा लिया और इसी को फोल्ड किया इस तरह से, जितनी अपने को ज़रूरत है उस तरह से फोल्ड किया। ये आगे का मार्जिन का निशान लगा लेते हैं, और टोटल लेंथ थोड़ी सी 1/2 इंची प्लस में रखूँगा वर्क के हिसाब से इस ब्लाउज़ की, तो 5.5 इंची लूँगा मैं, इसकी लंबाई 1 इंची बढ़ा चुका हूँ, तो ये 3 इंची ये ले लूँगा, यहाँ पे डाउन किया मैंने, और यहाँ से सीधा निशान लगा लेते हैं। आस्तीन मोरी 10.5 है, तो 1/2 यहाँ पर लगा लेंगे, तो 5.25 हो जाएगी। यहाँ पर सीने का 5वां हिस्सा करीबन अपना 7.5 के आसपास ही आएगा, 6×5=30, तो 6.5 के आसपास ही ये आ जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से। और ये जो 3 इंच उतारा है मैंने, ये सीने का करीबन 1/12 हिस्सा होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। वैसे 3 इंची के आसपास ज़्यादातर लोग लेते हैं या बनाते हैं, तो ये ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका 1/2 कर लेते हैं यहाँ से सीधी लाइन खींचने के बाद, तो ये 3.5 और ये हो गया इसका 1/2 यहाँ से, तो ये 1/2 अंदर वाला फ्रंट हो जाएगा और बाहर वाला हो जाएगा बैक पार्ट, और इसको मिला दिया इस तरह से। इसमें भी वही 2 इंची मार्जिन रख के कटिंग करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से और ये अपना हो जाएगा यहाँ से, ये कुटका लगा लेते हैं मार्जिन एक्स्ट्रा का, ये कुटका फिटिंग आस्तीन जहाँ से छड़ेगी, और ये लगा लेते हैं 20 सेंटर शोल्डर का निशान, और ये फ्रंट का लगा लेते हैं इसमें डीप कटिंग इस तरह से,
और इसमें कुटका लगा लेते हैं फ्रंट का। तो इस तरह से अपना बैक और फ्रंट और आस्तीन जो है कटिंग हो चुकी है। अब इसका जो मेन पीस है वो भी कटिंग कर लेते हैं। तो मेरा ये फ्रंट पार्ट है, तो इसको रखता हूँ बीच सेंटर में इस तरह से मिलाकर सारी बिल्कुल बराबर से, इन चीज़ों को एक गौर से देखकर कि इधर उधर ना हो। वेलवेट थोड़ा खिसक भी सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसे मैंने सेट किया इसको और इस पर मैं कटिंग कर लेता हूँ, फ्रंट पार्ट ले लेता हूँ ये यहाँ से। तो मेरा जो गला है इसकी 7 इंची आएगा, तो मेरा ये ऑटोमेटिक ऊपर से सही आ रहा है। थोड़ा वर्क मेरा नीचे से कट सकता है, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जो भी वर्क जाएगा वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ के अनुसार वर्क आपका कट सकता है। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट। ऐसे ही करके मुझे बैक पार्ट निकालना है, और जो मेरी आस्तीन है, आस्तीन के ऊपर आस्तीन, जैसे ये आस्तीन है तो ऐसे ही जवाब भी रख के आस्तीन भी कटिंग कर लूँगा। तो ये मेरी कटिंग इसी तरह से हो जाएगी। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसका जो टोटल है कच्चा काम, इसमें प्रेस से क्या है कि फेविकोल से चिपकेगा नहीं, इसलिए इसको मशीन से कच्चा करेंगे, कच्ची सिलाई लगा करके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट देंगे। तो दोनों आस्तीन को कच्चा करेंगे पहले तो, और इसको कच्चा करेंगे। ये अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, बैक और फ्रंट, अस्तर साथ में लेके इसको कच्चा कर लेंगे, उसके बाद इसकी गणित लगेगी। तो ये पहले मैं एक दफ़ा कच्चा कर लेता हूँ इसको पूरा। इस तरह से मैंने आस्तीन को, दोनों आस्तीन को इस तरह से बराबर, ये फ्रंट ये बैक और ये बैक कच्चा कर लिया है सिलाई मशीन से। ऐसे ही करके मैंने बैक पार्ट को भी कच्चा किया है इस तरह से। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर से इस तरह से मैंने, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसमें, जो मेरा मेन अस्तर फिक्स है मेरा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है। और ये गले का मार्जिन भी मैंने फिक्स रखा है, जो मेरा फिनिशिंग से गला नॉर्मली तरह से बैठ जाएगा। और यहाँ जो टैक्स का निशान है वहाँ पर भी मैंने एक कच्ची सिलाई लगा दी है, तो ये अलग अलग नहीं होगा। और जो डार्ट डालूंगा मैं करीबन ये 1.25 इंच की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने थोड़े से यहाँ से जो बीड्स वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, और ये डार्ट भी ऐसे डाल लेते हैं। इसमें 1.25 इंची का मार्जिन छोड़ा, तो 1.25 इंची का आधा करके यहाँ से क्रॉस में इस तरह से आप डार्ट लगा सकते हैं। ऐसे ही करके दोनों जो टैक्स हैं बैक वाली वो लग जाएंगी इस तरह से, ठीक है। ये मार्जिन इस साइड में हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगी। ये बैक हो गया, आस्तीन हो गई। अब फ्रंट का तो है, जो फ्रंट में मैंने अभी तक कोई कच्चा नहीं किया है, क्योंकि ये बड़ा रखा हुआ है मेरा, तो ये फीस मुझे दोनों बराबर चाहिए। इसमें कफ्स अटैच करेंगे तो इसका जो चीज़ है वो गौर से देख लेते हैं, जो काम की बात है वो इसी में है। अब इसका गला सेट करेंगे। गले की जो चौड़ाई है इसकी करीबन काफ़ी है, 4 × 8 इंच के आसपास इसकी जो ब्रॉडनेस है गले की, तो इसको फिक्स करेंगे 6 इंच के आसपास। तो मैं इसको यहाँ से जो मार्किंग है इसका जो आउटलाइन दी हुई है, यहाँ से 3 इंच नाप लेता हूँ, और इसमें एक क्रॉस में सिलाई लगा देता हूँ, तो ये 3 इंची पे मेरा फिक्स हो जाएगा। फिर इस गले को फिक्स करेंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मैं अब ये सिलाई यहाँ पर कवर कर दिया, यहाँ पर इस गले की चौड़ाई जो है 6 इंच हो जाएगी। अब इस मेन पीस को रखेंगे यहाँ पर, और इसके बराबर जो है अपने को इस तरह से अपने को इसको सेट करना है। और जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि इसमें कप्स अटैच करेंगे तो छोटा बड़ा कपड़ा चाहिएगा नहीं, तो इसका जो मार्जिन है वो फिक्स रखेंगे इस तरह से। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पहले ही कटिंग कर लेते हैं, तो आगे अपने को दिक्कत ना हो, इसलिए इसको पहले ही मैं इसी के अस्तर, जो अपना फिक्स अस्तर है उसी के बराबर काट लेते हैं इसको इस तरह से। इसको फिक्स बिल्कुल बराबर से इसको काट लेंगे। तो जब सिलाई लगाकर कच्चा करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ से गले को मैंने मिला लिया है, इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल फिक्स इसके बराबर कटिंग कर लिया है। अब इसको कच्चा करेंगे। पहले तो इसको यहाँ से बी सेंटर से ऊपर से इसे कच्चा करेंगे, ये ऊपर से मिला लेते हैं, और यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे।
ये यहाँ तक कच्चा किया और आर्मोल वगैरह बिल्कुल इसका जो है अस्तर को बराबर रखेंगे। यहाँ पर इसमें वर्क भी है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा मशीन को इधर उधर टाल के चलाएं या फिर पहले ही उतार लें उनको, तो जो है आपकी सुई नहीं टूटेगी। तो इसके साथ ही बता दूं कि मैंने ये इसके बराबर कटिंग करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसे आर्मोल तक कच्चा किया और यहाँ पर जैसे बैक में कच्चा किया वहाँ तक मैंने इसको यहाँ से एक पैर सिलाई लगाकर कच्चा कर लिया है। ये फिक्स हो गया मेरा और नीचे से मैंने यहाँ से इसको खुला रखा है, बाकी मेरा जो फीस है चारों तरफ से बराबर है। अब इसमें जो है ये डार्ट डाल लेंगे, पहले चार डार्ट जो दो अस्तर की और दो मैन फीस की। तो मैन फीस की यहाँ से जो टैक्स का निशान लगाया पॉइंटर निशान वहाँ तक इसमें करीबन जो है डार्ट का एक्स्ट्रा दबाव छोड़ा था उसी के अनुसार थोड़ी बड़ी डार्ट डालेंगे तो वो सभी डार्ट का जो कवर कर लेगी, जो लगती है ना टैक्स वगैरह चार, उन्हीं को एक ही में कवर कर लेगी। तो इस तरह से ये डार्ट अपनी क्रॉस में अपने को डालनी है, ये ऐसे ही करके दूसरी डल जाएगी और यहाँ से एक इसमें एक कट डाल लेंगे, जो कप्स लगाएंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गई इसमें सेम, ऐसे ही दूसरी डल जाएगी और ऐसे ही करके अपनी जो है अस्तर में डार्ट डलेगी ये वाली। ये बराबर से डलेंगी, करीबन एक इंच के आसपास डाल लें या जितनी साइज के अनुसार डलती हैं, छोटी बड़ी होती रहती हैं। तो इस तरह से ही अपनी ये हो जाएंगी और इसमें भी एक कट यहाँ पर डाल देंगे ये टैक्स में। तो इस तरह से अपनी जो है चारों डार्ट डल जाएंगी, दो डार्ट मैं बाद में डाल लूँगा। इस तरह से ये चारों जो टैक्स है मेरी लग चुकी हैं। अब इसमें जो कप्स का काम करना है, पैड्स का काम करना है, ये अगर 32 साइज है तो आप 2 इंची प्लस में करके लगाएं, 34 साइज़ का लगाएं तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी 34 साइज़ के कप्स हैं, आप हमेशा कोई भी साइज़ के लगा रहे हो तो उसमें 2 प्लस साइज़ में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको मैं जो है यहाँ पर अटैच करूँगा, ये बी सेंटर यहाँ पर रखूँगा, इसका निशान कर लें या मार्किंग इस तरह से इसका बी सेंटर का यहाँ पर, और इसको या तो आप सुई से हाथ से अटैच कर दें यहाँ पर या फिर आप मशीन से भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ इसको मशीन से अटैच करने की। यहाँ से इसको ऐसे उठाता हूँ और इसको गौर से देख लेता हूँ, यहाँ पर ये मेरी साइज आ जाएगी ये यहाँ पर, और एक छोटी सी टाँकी जहाँ पर जो मेन पॉइंट का निशान है वहाँ पर इसे बांध देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसे लगा दिया हूँ इस तरह से, और अपना जो है ये कप्स भी जो है अपना अटैच हो जाएगा इसी तरह से, और बाकी का ऐसे ही करके जो अपना वाला ये वाला कप्स है इसको भी यहाँ पर बी सेंटर में अपने को एक टाँकी बांधनी है। यहाँ पर हाथ से लगा लें या मशीन से लगा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और फिक्स करें, गाढ़ा लगाएं, बार बार उतरे ना। ये लगने के बाद इसको मैं चारों तरफ से कच्चा कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों इसके कप्स हैं वो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर अटैच कर दिए हैं और इसको मैंने चारों तरफ से कच्चा भी कर दिया है इस तरह से। ये कट जो लगाए यहाँ पर काम कर जाएगा, खिंचाव नहीं मारेगा और बिल्कुल सही रहेगा। आप थोड़ा सा अस्तर को थोड़ा सा लूज छोड़ सकते हैं तो अंदर इसको जो पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मामूली से आप आधा इंच एक्स्ट्रा भी लूज छोड़ सकते हैं अस्तर को, बल्कि कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये लुकिंग वाइज सही हैं, बिल्कुल गले को जो मार्जिन है मैंने बिल्कुल बराबर से लेके इसको गले को भी कटिंग कर दिया है। तो ये हो गया अपना फ्रंट पार्ट भी हो गया, डार्ट वगैरह भी हो गई। अब इसका जो है इसके अब शोल्डर कर लेते हैं। शोल्डर करने के बाद यहाँ पर इसमें पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी पहले भी लगा सकते हैं और इसके शोल्डर पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक हो जाएंगे, तो ये शोल्डर का टांका लगा लेते हैं पहले। तो इस तरह से बैक नीचे रखें, फ्रंट ऊपर रखें और ये सिलाई लगा लें। इस तरह से अपने शोल्डर भी हो जाएंगे, यहाँ पर डबल सिलाई लगा लें।
इस तरह शोल्डर भी हो गए। अब इसमें क्या करना है अपने को, जैसे नॉर्मली हमेशा ब्लाउज में पट्टी लगाते हैं, इस तरफ अंदर की चिपवा पट्टी, इसके चुपक के लगेगी वो पट्टी लगाऊंगा, और इसके जो है बढ़ाऊ पट्टी, बढ़ती हुई एक इंच की बढ़ती हुई पट्टी। तो ऐसे कैसे ये यहीं के यहीं रह जाएगा, क्यों, इसमें चिपवाएगी, इसमें बढ़वाएगी तो हुकाई वाली जो पट्टी है वो लग जाएगी। तो ये काम मैं आसानी से कर लेता हूँ, ये काम आप भी बखूबी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद तो इस तरह से ये मेरी बढ़ाऊ पट्टी है जो मैंने लगा ली है, और ये अंदर वाली है, तो ये इस तरह से अपना तलपट हो जाएगा। तो ये काम मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आस्तीन लगाने से पहले इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी लगाने में। तो ये पाइपिंग मैंने बना ली है इस तरह से, आप भी बना सकते हैं सिंगल फुट जो मशीन का होता है उसको यूज़ करके। मैंने हर वीडियो में ब्लाउज़ में या सूट्स में पाइपिंग का जहाँ काम है उसे आसानी से बनाना और लगाना बता रखा है, फिर भी मैं इस वीडियो में लगाना फिर से बता देता हूँ। इसको मैं मार्जिन है मेरा छोटे वाला नीचे की तरफ रखूँगा, और यहाँ से इसे सिंगल बोट की सहायता से स्टार्ट करता हूँ, और कोशिश करूँगा धागे के बिल्कुल पास में से सिलाई आए, और जो ये वर्क वाला जो अपना ब्लाउज है पैडेड वाला, इसमें इसके जस्ट आउटलाइन के पास में लाने की कोशिश करूँ, तो बिल्कुल फिनिशिंग से जो लुकिंग वाइज है इसका बढ़िया दिखेगा गला। इस तरह से इसे नॉर्मली पाइपिंग को खींच के रखे हल्के हाथ से, ज़्यादा भी नहीं खींचना, वेलवेट है वरना सलवट मार सकती है, तो नॉर्मली ही खींचना है इस पाइपिंग को। ये हमेशा की तरह बैक की तरफ दबाव रखेंगे शोल्डर का, और यहाँ थोड़ा सा अगर लगा सा खींच सकते हैं शोल्डर के ऊपर, जो उठने वाली प्रॉब्लम है शोल्डर वो नहीं रहेगी, और गले में नॉर्मली तरीके से लेनी है। यहाँ वी शेप में आ गया, तो एक टेप पाइपिंग के बाहर की साइड और एक टेप अंदर की साइड, तो उससे क्या है कि अपना जो वी शेप है बिल्कुल सेम वैसा ही आएगा। और फिर इसको यहाँ की यहाँ घुमा लेंगे और ऐसे कैसे करके इसको वापस ले आएंगे। तो इस तरह से ऐसे ही करके पूरी पाइपिंग अपनी एक दफ़े में लगा लेता हूँ आगे तक। तो इस तरह से ये पाइपिंग मैंने पूरी अटैच कर दी है, साथ में आस्तीन पे भी मैंने लगा दी है। अब इसे क्या करना है, इस मार्जिन को इस साइड लेना है, और इस मार्जिन उस पाइपिंग के अंदर ही लेना है, और फिर से वहीं पर सिलाई लगानी है अपने को। ठीक है, इस तरह से एक छोटी सी लगा के दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट किया और इसी के पाइपिंग के अंदर ही मार्जिन रखना, बाहर की साइड न रखे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा आपकी जो पाइपिंग है नहीं बैठेगी। तो इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे, और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन होगा पाइपिंग का, जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसे काट देंगे, और इसे यहाँ तो अंदर की तरफ इस तरफ करके थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये जो मार्जिन है इसको काट देंगे, और इसको इस तरह से पलट के यहाँ तो इस पर सिलाई मार दें, अगर अच्छे से लगा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पर तुरपन का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पाइपिंग भी है लग जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें पाइपिंग भी लगा दी है, ऊपर इसमें सिलाई अटैच कर दी है, तो अच्छे से मेरी पाइपिंग दब जाएगी। अगर आपसे सिलाई न लगे, ये मोती वगैरह आते हैं, तो आप इस पर तुरपन ही कर सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो इसलिए हम इस पर आसानी से सिलाई लगा सकते हैं बूट को ऊँचा उठा करके। ठीक है, तो ये काम मेरा हो गया, ऐसे ही आस्तीन पे मैंने पाइपिंग लगा दी है। अभी ये आस्तीन लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ, ये मेरा फ्रंट पार्ट ये रखता हूँ, तो यहाँ पर ये कुटका है मेरा 2 इंच का, यहाँ पे लगा लें जैसे बैक में छोड़ा था ये वाला, ये ऐसे ही करके आस्तीन में भी अपना 2 इंच का मार्जिन है ये वाला, तो फ्रंट से फ्रंट रखें, ये मतलब फ्रंट पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, ये बड़ा हिस्सा बैक पार्ट है, ये राउंड वाला फ्रंट पार्ट है, तो इसको नीचे रखेंगे हमेशा के तौर पे, और यहाँ से लेके इसका कुटका मिला के देख लें, ये यहाँ पर ये सेंटर का ये शोल्डर पे मिलना चाहिए, और बिल्कुल जो भी आए तो ये इसमें ही, अगर आपका छोटा बड़ा बढ़े तो यहाँ पर ही इसको खींच के एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। और साथ में इसमें जो ये बीड्स आ रहे हैं छोटे छोटे मोती, इनको पहले ही उतार के अलग कर लें, तो आपकी जो आस्तीन लगाने में प्रॉब्लम न हो, तो इस तरह से इनको उतार लें, और यहाँ से मिला कर सेंटर मिला करके वही जो नॉर्मली दबाव लगाते हैं वैसे ही लगा कर दोनों आस्तीन अपने को चढ़ा लेनी है। तो ये काम मैं बखूबी आराम से कर लेता हूँ। इस तरह से अपनी जो है आस्तीन भी लग गई है, ये बिल्कुल परफेक्टली लगी है। अब करना क्या है, अब यहाँ पर इसकी जो साइड है, पहले तो इसको पैक कर देंगे यहाँ से, ठीक, ये साइड पैक हो जाएगी, ये दोनों, ये जॉइंट से जॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, और साइड से साइड,
यहाँ पर, और ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये साइड हो जाएंगी, दोनों साइड हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर एक इंची तैयार पट्टी अपने को अस्तर की पट्टी लगाएंगे अंदर के साइड, जो हमेशा नॉर्मली ब्लाउज की पट्टी लगाते हैं, जैसे ये पट्टी लगाई थी वैसे ही करके इसमें पूरे में नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो वो पट्टी मैं लगा दूंगा जो नॉर्मली हमेशा ब्लाउज में लगाते हैं, ये आसानी से आप काम कर सकते हैं। इस तरह से अपनी जो है पट्टी भी लग चुकी है, ऐसे करके इसको अंदर की साइड में तुरपन हो जाएगी और बिल्कुल बाहर बिल्कुल से नहीं दिखेगी। अब इसमें फिटिंग का टाँका लगा लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक आप स्टेप भी लगाएं तो वो बढ़िया रहेगी, और साथ में जो बैक साइड में करीबन ढाई एक इंच नीचे आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, उसमें टसल्स वगैरह लगाने के लिए थोड़ी फैंसी रहेगी। और कभी कभार हो जाता है कि थोड़ी दुबली पतली साइज़ हो तो शोल्डर गिरने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए थोड़ी डोरी अलग वाइज लुकिंग भी देगी टसल्स लगा के, तो वो भी बेस्ट रहेगी। अब यहाँ इसमें फिटिंग का टाँका लगाएंगे, तो ये जो तुरपन का जो पट्टी लगाई है इसको रखते हैं अंदर की साइड में, और ये जो मार्किंग रखा है अपन ने, ठीक है, ये मार्किंग रखा है इसी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे पहले तो फिक्स वाइज, तो ये मेरा जो फिटिंग का टाँका बिल्कुल से सही आएगा। तो इसका पहले फिटिंग का टाँका लगा लेते हैं, और फिर इसमें जो मेजरमेंट करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये फिटिंग का टाँका इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे ऐसे खींच के निकाल के, और यहाँ पर इसको फिक्स करके रखेंगे, यहाँ से इसे टाँका लगाएंगे। ये काफ़ी मोटा हो गया तो इसे आप आराम से चलाएँ इस तरह से, और बिल्कुल बराबर से करके इसको अच्छे से मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएं ऐसे। आस्तीन का ये जो आरमोल का दबाव आस्तीन की तरफ रखें, आस्तीन मोरी 10.5 है तो ये भी नाप लें, तो 10.5 मेरी यहाँ पर आ रही है तो ये बिल्कुल से सही आ जाएगी सीधी सीधी यहाँ मार्किंग पे इस तरह से। ऐसे ही करके दूसरी साइड लगा लेते हैं। इसके बाद में आप एक बार इसका मेजरमेंट करें, मेजरमेंट करने के बाद में एक पैर की सिलाई यहाँ पर और लगा सकते हैं, आगे चल के कभी टाई ढीला करना पड़े तो आप उसे लूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या, अब इसका जो मेजरमेंट कर लेते हैं, तो मेजरमेंट एक बार फिक्स कर लेते हैं इसका। तो मेजरमेंट करने के लिए ये मेरा यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ूंगा यहाँ पर ज़रा सी मार्किंग, और इसको बराबर से मैं पकड़ूंगा, तो 27 इंची मेरी कमर है, 27 इंच कमर है तो 27 इंची मेरी यहाँ तक है। ये आगे इसमें आई वाली जो बनेगी वो वाली है तो ये अंदर की तरफ रहेगी, तो यहाँ तक इसका मेजरमेंट होगा, तो 27 इंची मेरा इसका फिक्स है, ठीक है। अब इसकी चेस्ट की नाप लेते हैं, तो यहीं से फिर से पकड़ेंगे और ऐसे करके यहाँ से पकड़ेंगे, और ये टक्स पॉइंट पे पकड़ेंगे यहाँ से, इसे आप घोड़े पे भी रख के, जो अपना नी होती है घोड़े की वहाँ पर भी इसे रख के नाप सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही सीधा पकड़ के इसे नाप लेता हूँ, तो एक दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है वो दूसरे वाला, और यहाँ से इसे पकड़ के नापेंगे तो ये अपना जो है 34 इंच जो अपना है बिल्कुल से ये आ जाएगा अपना, इसका 34 थोड़ा सा इसमें मेरा ज़्यादा आ रहा है आधा इंची, तो इसको ज़रा सा मैं चेस्ट में से और दबा दूंगा, तो कुल मिला के मेरा जो मेजरमेंट है बिल्कुल बराबर है इस तरह से। इसे फिनिश होने के बाद में ये बहुत बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा। डोरी ज़रूर लगाएं अगर ज़रूरत पड़े तो आपको, अन्यथा कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा यह प्रयास आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक वीडियो अलग अलग टाइप के सीधी सरल भाषा में लेकर आता हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।